शुरू कर सकते हैं। सो अब आते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड है वो है मिराय एसेट्स एमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये तो इवर ग्रीन फंड है यार, मतलब इसे हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है। यदि इसकी बात करें तो इसमें आप SIP 1000 से शुरू कर सकते हैं। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है वो 41% है, 3 ईयर रिटर्न 18% है, 5 ईयर रिटर्न है 24%। ये हमेशा अपने कैटेगरी से, जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है लार्ज एंड मिड कैप और म्यूचुअल फंड है, उनसे सदैव एक नंबर पे रहता है, हमेशा आगे रहता है। नंबर वन म्यूचुअल फंड है ये अपने कैटेगरी का, और आने वाले समय में ये बहुत शानदार रिटर्न देने वाला है। आप 10 से 20 साल तक के लिए भी इसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 से 2 साल 3 साल इतने के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका यदि एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एग्जिट लोड की बात करें, तो वो 0.75% है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इतना एग्जिट लोड बहुत आसानी से चलता है। यदि 1% से ज़्यादा है तो थोड़ा अपन कंसीडर करके चलते हैं कि यार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 1% से कम एग्जिट लोड है इसका। दो फंड मैनेजर हैं इसके, पहले हैं नीलेश शर्मा 2013 से हैं, और दूसरे हैं अंकित जैन। अंकित जैन हैं वो 2019 से इन्होंने इसका मैनेजमेंट संभाला है। सो यदि मिराय एसेट्स एमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करें यार, तो इसकी होल्डिंग्स बहुत शानदार है। यदि आप इसकी होल्डिंग्स की बात करेंगे तो अमेजिंग है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स इन्होंने स्टॉक पे अपनी बना के रखी है, जिसकी वजह है कि मिराय एसेट्स एमर्जिंग ब्लू चिप फंड लगातार बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है। सो दूसरा स्टॉक मैंने बता दिया, इस पर भी आप जरूर से जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपन तीसरे